तो लेना चाहिए। आप तमाम लोग जगह जगह पे ये आदमी न आए प्रतिबंधित कर दो, ये न आए प्रतिबंधित कर दो, ये तो कर देते हो, लेकिन एक पूरी दिल्ली सरकार झूठा वादा कर रही है, अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर रहे हैं पिछले 7 साल से, उसका सुओ मोटो लेने का समय है। मेरे सहयोगी सुशांत वहां पर मौजूद हैं, सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपने मनोज तिवारी से बातचीत की, तो क्या मुद्दे यहां पर उन्होंने उठाए हैं? क्योंकि जायजा लेने के लिए अगर वो वहां पर पहुंचे होंगे तो यकीनन उन्होंने भी इस सफेद झाग को लेकर सवाल उठाए होंगे। और वहां छठ भी हो रहा है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त खुद मनोज तिवारी जो है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं यमुना के घाट की स्थिति का जायजा लेने के लिए। आप सफेद झाग जो स्थिति है उसको लेकर पहुंचे हैं मनोज जी, यहाँ पहुंचे हैं सफेद झाग, यमुना पूरी तरीके से मैली, क्या स्थिति? देखो तो मन अभी यहाँ खड़ा होके जो दुर्गंध आ रहा है वो खड़ा होने को भी आप संभव नहीं हो पा रहा है। और ये सब ये जो जो बार बार चल रहे अमोनिया, ये झाग और यही, ये दिल्ली का पानी ऐसा होना चाहिए? इसलिए अब तो मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल जरा यहां आओ और अपने वादे को दिल्ली को बताओ। तमाम महिलाएं हैं यहां पर छठ व्रत के लिए पूजा अर्चना यहां पर कर रही हैं, इनसे भी आपने बातचीत करी है? अब इन लोगों से तो बात कर रहे हैं, वो दीदी कह रही है, बहन कह रही, मैं तो इन्हीं का दर्द लेके आया हूं। लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला सिर्फ ये इन्हीं का दर्द नहीं है, ये दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों का दर्द है, क्योंकि यही पानी दिल्ली को पीना पड़ता है और इसी पानी को कहते हैं हम फ्री पिला रहे हैं। अच्छा। आप देखिए, या एक सिंपल सी बात है, अगर छठ व्रती आते हैं तो पहले घाट की पानी की सफाई करते हैं। आप ये देखिए, दिल्ली सरकार को ये सफाई करनी चाहिए थी। ये क्या है, ये सब क्या है? आप देखिए, तो इतना इसको जब तक साफ नहीं करेंगे तो ये तो और भी गंदगी ही करेगा ना, और इसी पे लोग अगरबत्ती जलाएंगे, इसी में लोग स्नान करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कान पे जू नहीं रेंगेगा, ये चिंता का विषय है। जिम्मेदारी आप बतौर सांसद भी है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है क्या इसको? देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो यही बनती है कि हम विपक्ष में है तो इस बात को हम उठाएं, हम लगातार उठा रहे हैं। लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं करोड़ों दिल्ली वासियों की सेहत से जुड़ी हुई है, और अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि आखिर यमुना की सेहत की जो ये स्थिति हुई है, ये दशा हुई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है।